हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट वीकली व्यू। 4 फरवरी से लेके 8 फरवरी तक मार्केट कैसे रहेगा, ये वीडियो में हम लोग देखेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक के बारे में आपने मुझे पूछा है वो भी मैं यहाँ पर कवर करूँगा। लेकिन नेक्स्ट वीक का व्यू देखने के पहले हम लोग देखेंगे कि लास्ट वीक में क्या क्या हुआ था। जैसे लास्ट वीक मेनली बजट के लिए और एक्सपायरी के लिए था, तो बजट का और एक्सपायरी का क्या इम्पैक्ट हुआ मार्केट के ऊपर हम लोग देखेंगे। जैसा मैंने अपने डेली व्यू में और लास्ट वीक में वीकली व्यू में भी बहुत सारे लेवल आपको मैंने आपको दिखाए थे निफ्टी के और बहुत सारे स्टॉक के। तो जैसे कि एक बड़ा इवेंट होता है तभी क्या होता है कि ये जो लेवल्स है टेक्निकल लेवल्स कभी कभी ब्रेक होते हैं। लेकिन जो लेवल्स मैंने दिया था अगर आपने वापस देखा तो आपको पता चलेगा कि वो लेवल्स आपने बहुत अच्छी तरह चले। जैसे कि निफ्टी का हाई था 10,984 परफेक्ट, वहाँ से निफ्टी रिवर्स हो गया और ये मैंने आपको वीडियो में दी थी भी और मैं अभी भी निफ्टी का आपको चार्ट के ऊपर वो सब दिखाऊंगा। तो ये जो निफ्टी के जो लेवल्स है देखिए इतने परफेक्ट चलते हैं और ये जो प्राइजेशन होता है और वो मैं मेरे क्लास में भी सिखाता हूँ, तो ये आपको इतना परफेक्शन क्लास में भी सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते कि हम लोग बजट में क्या हुआ था और मार्केट ने उसको कैसे रिएक्ट किया। जैसे बजट में गवर्नमेंट ने जैसे कि सैलरी पर्सन को इनकम टैक्स का जो लिमिट था 5 लाख तक किया, ये बहुत ही अच्छी बात थी। उसके वजह से मार्केट एकदम रिएक्शन किया और ऊपर चला गया। लेकिन क्या हुआ कि जो एक्सपेक्टेशन था मार्केट के लोगों को, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स जो है और STT, इसमें गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ गई, लेकिन वो कौन से लेवल से आई, जो मैंने आपको लेवल बताया था 10,984 से, और उसके नीचे मार्केट आ गया। अभी बजट का हम लोग कैंडल चार्ट के ऊपर भी जाके देखेंगे, वो भी मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन क्या जैसे कि हम लोग जैसे लेवल पे हम लोग ट्रेडिंग करते, तो अगर बजट हो या कौन सा भी बड़ा इवेंट होने दो, मार्केट जो आप लेवल पे ट्रेड करते हो तो आपको अच्छी तरह वो दिखाई देगा। और जैसा देखते कि अभी बजट के बाद मार्केट और कैसे रिएक्ट करेगा। जैसे कि बजट के बाद एक ही ट्रेडिंग जो अभी सेशन है मंडे का डायरेक्ट, तो बजट का तो रिएक्शन वो सेम डे हो गया, लेकिन मंडे को मार्केट कैसा रिएक्ट करता है और नेक्स्ट वीक में भी, ये हम लोग चार्ट के ऊपर देखेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि बजट का दिन रहता है उसके ऊपर पूरा एनालिसिस नहीं होता है, उसके बाद लोग बजट के ऊपर एनालिसिस करते और रिएक्शन देते, जैसे कि कौन से जो ये सेक्टर है उसको बेनिफिट होगा। जैसे कि इनकम टैक्स में एग्जम्पशन मिल गया है और जैसे कि फार्मर लोग को भी गवर्नमेंट ने 6,000 छोटे फार्मर्स को देने वाले, तो इससे क्या होगा कि पब्लिक में पैसा आ जाएगा और जो जितने भी कंजम्पशन स्टॉक्स है यानी कि एक्स्ट्रा पैसा जितने का बचेगा वो लोग कंजम्पशन में यूज़ करेंगे। तो जैसे आपने देखा होगा कि बजट के दिन में जैसे कि ऑटो शेयर्स या FMCG शेयर्स, जैसे कि हीरो होंडा, मारुति, और आपने FMCG में देखा होगा कि डीमार्ट और हिंदुस्तान यूनिलीवर, ऐसे बहुत सारे कंपनीज के शेयर ऊपर आ गए। तो ये मोमेंटम मंडे को भी रहता है क्या, ये भी हम लोग चार्ट के ऊपर देखने वाले। तो बजट का एक ओवरऑल हम लोग देखेंगे तो जो नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए बजट अच्छा था, लेकिन जो मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए इतना अच्छा नहीं था। तो मार्केट में ट्रेडिंग करते वही लोग मंडे को भी मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे, तो कौन से लेवल रहेंगे और नेक्स्ट में निफ्टी का क्या लेवल्स आएगा ये भी हम लोग चार्ट के ऊपर देखेंगे। और कि जैसा दूसरा मुझे बात करना है कि नेक्स्ट वीक में कौन से इवेंट रहेंगे। जैसे कि नेक्स्ट वीक में 7 फरवरी को RBI पॉलिसी है, ऑलरेडी इन्फ्लेशन जो है कि कंट्रोल में है, तो शायद इंटरेस्ट रेट जो है वो 0.25 BPS कट करने का चांसेस है, शायद 0.50 भी कर सकते हैं। लेकिन मैं अनुमान बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वो होगा। तो एक इवेंट है तो एक 7 तारीख को भी इम्पैक्ट होगा। और जो भी दोस्त हमारे फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल के ऊपर हम लोग ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों ये मेरा एक वीडियो है, लेकिन मैं दूसरा वीडियो भी लाऊंगा जिसमें मैं आपको नेक्स्ट वीक में जो स्टॉक में कुछ मोमेंटम होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर जाके देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में मार्केट कैसे रहेगा। हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट से। तो हम लोग देखेंगे कि बजट के दिन में भी मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया और नेक्स्ट हमको क्या क्लू मिल सकता है वो भी देखेंगे। तो मैं जैसे बोल रहा था कि बजट के पहले हमने एनालिसिस किया था निफ्टी का, तो मैंने एक बताया था कि मार्केट एक जोन में घूम रहा है, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला,
जैसे कि देखिए बजट के दिन में ऊपर वाला जो लेवल था 10,984, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। तो ये जो लाइन मैंने लगाया था तो पहले ही लगाया, आपने वीडियो में देखा होगा। और यहाँ पे देखिए ये ट्रिपल बॉटम बनाया, एक दो और तीन, यानी बजट का जो अच्छा बजट आया फिर भी मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो लगभग 11,000 का एक रेसिस्टेंस मार्केट ले रहा है, और नीचे जो सपोर्ट जो है 10,800 का सपोर्ट मार्केट ले रहा है, इतना बड़ा इवेंट में भी तो ये रेंज में घूम रहा है। तो अगला हमको जो ये है कि क्लू क्या मिल सकता है कि मार्केट कौन से मिस ऊपर या नीचे कहा जा सकता है। तो देखिए कि मंडे को भी जो मार्केट ने सपोर्ट लिया था 10,800, ये हमको सपोर्ट रहेगा। ऊपर वाला जो रेसिस्टेंस है जो कि उसके नीचे क्लोज हुआ है मार्केट 10,922, ये मैं बहुत दिन से आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर भी गया कभी मार्केट नीचे भी आया, लेकिन वो लेवल अगर आप इंट्राडे में देखो तो आपको प्रॉपरली पता चलेगा कि वहां पे मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है। आगे जाने के लिए मार्केट श्योर है कि 11,000 को बहुत रेजिस्टेंस ले रहा है, और करीब करीब 10,900 को भी थोड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि मार्केट उसके ऊपर बजट में क्लोज नहीं हुआ। नीचे वाला जो सपोर्ट है जो है कि 10,800, और मार्केट बीच में लास्ट वीक में एक्सट्रीम लो गया था, वो था 10,600, वहां से ही सपोर्ट लेके रिवर्स हुआ है। तो एक रेंज है जो मार्केट का एकदम नियर आप बोलेंगे तो 11,000 और नीचे 10,800, ये एक छोटा सा रेंज है। ऊपर वाला और नीचे वाला ज्यादा आप बोलेंगे सपोर्ट तो 10,600 है। इंट्राडे में भी हम लोग देखेंगे कि मंडे के लिए हमको क्या लेवल्स हो सकते हैं, वो हम लोग इंट्राडे चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे। लेकिन देखिए कि मार्केट ये लेवल पे इतना रेसिस्टेंस ले रहा है और बजट के बाद भी ऊपर नहीं गया, तो ये सोचना चाहिए कि मार्केट जब भी 11,000 के ऊपर अगर ये होता है क्लोज होता है तो ये मार्केट अगला मूवमेंट आपको दिखा सकता है। यानी कि अगर नियर वाला आप देखेंगे तो सॉरी अगर नियर वाला देखेंगे तो ये जो था अपना 10,980 का जो लेवल है आसपास, ये अगर मार्केट पार करता है तो ये ऊपर जा सकता है। हम लोग इंट्राडे में देखेंगे कि बजट के दिन में क्या हुआ था। तो बजट के दिन में ये थोड़ा सा मेरा लाइन, एक मिनट, ये थोड़ा सा लाइन मेरा 84 था, हाँ यह भी मेरा ये गया था। तो 84 का जो हमने बताया था वहां से देखिए बजट के दिन में ये रिवर्स हुआ है। जब बजट आने तक, बजट कंप्लीट आने तक मार्केट एक रेंज में घूम रहा था। बजट में चालू हुआ जैसे कि जो अपना इनकम टैक्स के ऊपर जो 5,000 तक का आपको लिमिट मिला, सॉरी 5 लाख का जो लिमिट मिला, उसके वजह से मार्केट जो ऊपर गया और बराबर ये लेवल से रिवर्स हुआ। क्योंकि जो और भी एक्सपेक्टेशन था मार्केट को कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और एसटीटी में कुछ हमको ये मिले, वो नहीं मिला, मार्केट नीचे आ गया। लेकिन यहाँ पे देखिए इंट्राडे में 10,820 यहाँ पे कैसा प्राइस एक्शन हुआ। तो यहाँ पे अगर आपको बराबर प्राइस एक्शन आप रीड कर सकते तो यहाँ पे भी एक बाइंग बनता था, तो जो बराबर है हमारा 10,900 के, यहाँ पे देखो इंट्राडे में भी रेजिस्टेंस लिया है। तो देखिए कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन अगर आप लेवल पे बराबर काम करते हैं, प्राइस एक्शन फाइंड आउट करते हैं, तो आपको अच्छे ट्रेंड मिलेंगे। फिर भी हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन चेन के ऊपर कि मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। क्योंकि देखिए बजट हो गया, लेकिन बजट के बाद उसका एनालिसिस भी होता है, तो बजट का दिन का जो मोमेंटम था वो तो जैसा न्यूज आता है वैसे उसका रिएक्शन होता है, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट वीक में बजट एनालिस करने के बाद लोग उसमें ट्रेड करेंगे। तो उसके पहले और भी एक मैं बात बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखिए जो गिरने वाले शेयर थे वेदांता को छोड़ के, जैसे कि एस बैंक, SBI, ICICI बैंक, तो बैंकिंग जो स्टॉक है प्राइवेट बैंक और जैसे कि PUC बैंक, दोनों में एक वीक वाली आई थी। इनकम टैक्स का ये लिमिट बढ़ाया तो कंजम्पशन वाले जितने भी स्टॉक्स है, देखिए हीरो होंडा देखिए, मारुति देखिए, आयशर मोटर, एशियन पेंट, एस्कॉर्ट, ऐसे जो स्टॉक है वो ऊपर गए थे। बजाज फाइनेंस भी है उसमें, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, तो मोस्टली कंजम्पशन, यानी कि लोग अगर पैसा आने के बाद कैसे खर्चा करेंगे, ऐसे कंपनी जो है वो कंपनीज पॉजिटिव हो गए। लेकिन ये मोमेंटम नेक्स्ट वीक में भी रहता है कि नहीं रहता है वो भी हमको देखना है। हम लोग जाके देखते हैं कि ऑप्शन चेन के ऊपर कि मार्केट को सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो यहाँ पे मेरे पास निफ्टी का जो है कि ऑप्शन चेन है फेब्रुवरी एक्सपायरी का, निफ्टी जो क्लोज हुआ था 10,893 के ऊपर, यहाँ पे देखते
कि मार्केट 10,850 का ये जो इन द मनी है, उसके बाद 10,900 आउट ऑफ द मनी है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कॉल साइड में, तो कॉल साइड में आपको ये दिखेगा कि रेसिस्टेंस, और पुट में आपको सपोर्ट दिखेगा। तो हम लोग पहला कॉल साइड में देखेंगे, तो कॉल साइड में यहाँ पे 10,900 पे ऊपर थोड़े पोजिशन ऐड हो गए, तो यहाँ पे एक नजदीक वाला रेसिस्टेंस है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है 11,000 के ऊपर, तो 11,000 9,000 में तो थोड़ा रेसिस्टेंस है, लेकिन 11,000 का रेसिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है, जो हमको चार्ट के ऊपर भी ये दिख रहा है। उसके बाद जो है कि 11,200 यहाँ पे भी देखिए कॉल में पोजिशन ऐड हो गए, माइनस नहीं हुए, ऐड हुए, यानी कि ये भी एक रेसिस्टेंस है। लोग सोच रहे हैं कि 11,200 के ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन 11,200 के आसपास जा सकता है, इसे पता चलता है, लेकिन उसको पहले 11,000 का लेवल ये जो पार करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद हम लोग पुट साइड में देखते हैं, तो पुट साइड में देखिए कि 10,800 जो हमने चार्ट पे भी देखा था, तो वहां पे जो कि यह पोजीशन अच्छा है और यह ऐड भी हो गया है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट बना रहा है इंट्राडे में, यहाँ पे पोजीशन ऐड हो गया है। उसके बाद है 10,800 के बाद हम लोग 10,700 के यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा पोजीशन कम हो गया, तो 10,000 से ज्यादा 700 से ज्यादा 800 के यहाँ पे ज्यादा पोजीशन है। हम लोग 10,900 देखते हैं, ये तो इन द मनी पुट है, लेकिन देखिए इसमें भी यहाँ पे पोजीशन ऐड हो गया। इसका मतलब क्या है कि शायद पुट वाले सोचते हैं कि जो मार्केट है 10,900 के ऊपर रहेगा, जिसके लिए ये पुट वालों ने पुट राइट किया है। तो मार्केट का एक ओवरऑल आप देखेंगे ऑप्शन चेन के ऊपर, तो मुझे 10,800 से लेके 11,000 के ऊपर मुझे एक रेंज दिख रहा है नियर का, लेकिन ऐसा नहीं कि ये रेंज कंटिन्यू रहेगा, ये रेंज ब्रेक भी हो सकता है, लेकिन डिमांड सपोर्ट रेसिस्टेंस और प्राइस एक्शन सपोर्ट रेसिस्टेंस और अपना ऑप्शन चेन के ऊपर ही मुझे लेवल दिख रहे हैं। तो चलिए वापस चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं हम लोग सेकंड जो है वो देखेंगे बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी देखते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए तो बैंक निफ्टी का चार्ट उतना अच्छा नहीं जितना कि निफ्टी का है। क्यों? क्योंकि बैंकिंग जो मैंने आपको दिखाया ऑलरेडी, जो बड़े बड़े बैंक जो है वो सब उसमें डिविडेंड यील्ड के बॉन्ड यील्ड के वजह से क्या हुआ कि नेगेटिविटी आ गई थी लास्ट में फ्राइडे को, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी पे थोड़ा दबाव दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी का जो नियर सपोर्ट है 27,000 का उसने होल्ड किया है। अगर ए लेवल होल्ड करता है मंडे को भी, तो बैंक निफ्टी में वापस बाइंग आ सकती है। अगर बैंक निफ्टी ए लेवल के नीचे क्लोज होता है 26,950 के नीचे होता है, तो थोड़ा शॉर्ट में आएगा और उसमें दबाव आ सकता है। तो दोस्तों मैं उन स्टॉक के बारे में बात करता हूँ जिन स्टॉक के बारे में मुझे आपने पूछा है। तो मिस्टर प्रवीण ने उन्होंने मुझे अशोक लेलैंड के बारे में पूछा है। हम लोग अशोक लेलैंड का चार्ट देखते हैं, तो यहाँ पे देखें कि अशोक लेलैंड का एक सपोर्ट था जो यहाँ पे 80.93 यानी ऑलमोस्ट 81 आ रहा है, तो ये मैंने पहले ऑलरेडी निकाला था, और बजट के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेके इसने एक पॉजिटिव कैंडल तो बनाया, अभी वो 83 चल रहा है, तो इसका आप 80 का टॉप लॉस रगा के इसमें आप बाइंग कर सकते हो। यहाँ पे एक होप है कि यहाँ पे कवर हो जाएगा, लेकिन अगर 80 के नीचे क्लोज देता है तो और भी नीचे आ सकता है। यहाँ पे देखिए कि बहुत दूर का एक सपोर्ट भी है, तो ये राय मेरा है अशोक लेलैंड में। नेक्स्ट जो है मुझे अयोध्या कुमार करके, उन्होंने मुझे बंधन बैंक के बारे में पूछा है। तो देखिए कि बंधन बैंक का अगर आप प्राइस एक्शन देखें, तो यहाँ पे देखिए कि जो इसका एक सपोर्ट था यहाँ पे वो उसने लेना चाहिए था, उसने उसको रिजेक्ट किया और इसको ये रेसिस्टेंस लेके अभी वो नीचे की ओर आ रहा है। तो शायद अगर वो 368 के इधर आएगा तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेके वापस रिवर्स हो सकता है, यानी कि यहाँ पे अभी बाइंग पोजिशन नहीं बनता है जब तक कि ये जो है कि 430 के ऊपर क्लोज होता है या फिर यहाँ से 368 को सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। तो अभी का इसका जो टॉप लॉस रहेगा या नीचे का सपोर्ट रहेगा 368 है, अगर ऊपर जाना है तो उसको 430 को ब्रेक करके ऊपर जाना पड़ेगा। अभी का जो मेरा ये है कि इसके बारे में एनालिसिस है कि ये थोड़ा नेगेटिव साइड के ऊपर है। नेक्स्ट जो है मुझे पूछा है मिस्टर आनंद करके, उन्होंने IDFC फर्स्ट
फर्स्ट सोर्स उसके बारे में, इसका नाम चेंज हो गया थोड़ा इसलिए, तो IDFC का। तो यहाँ पे देखिए कि इसका एक चार्ट अच्छा बन रहा है, और यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट फेब को यहाँ पे एक थोड़ा नेगेटिव कैंडल बना है, लेकिन सपोर्टिव कैंडल है। अगर यहाँ पे ये सपोर्ट लेता है तो 44.50 का टॉप लॉस लगा के आप बाय कर सकते हो। तो पहला जो टारगेट रहेगा इसका 46 का रहेगा, और उसके ऊपर भी उसका 49 का भी टारगेट आ सकता है। लेकिन अगर अगर ये 44.50 के नीचे क्लोज होता है तो वापस डाउन जाएगा। नेक्स्ट सपोर्ट इसका ये लेवल पे है ऑलमोस्ट 42 के ऊपर। तो अगर ये मंडे रिकवर होता है, और जो फ्राइडे का जो हाई था ये वाला 45.55 के उसके ऊपर ट्रेड करता है तो अच्छा रिकवरी दे सकता है। नेक्स्ट जो है कि PEL, तो पराग जी है, उन्होंने मुझे इसके बारे में पूछा था। तो यहाँ पे देखिए PEL है, एक सपोर्ट पे है यहाँ पे, और उसने पॉजिटिव कैंडल भी दिया है। तो ये शायद मंडे को भी अगर ए लेवल के ऊपर जाता है तो 2175 के ऊपर इसमें इंट्राडे भी बाइंग बनता है, और ये लेवल पे अगर बाय करते हो तो थोड़ा टॉप लॉस नीचे है, 2012 का टॉप लॉस लगेगा, लेकिन यहाँ से ये रिकवर होने का चांसेस बहुत है। नेक्स्ट जो है कि अभिजीत करके, उन्होंने मुझे येस बैंक के बारे में पूछा है। तो देखिए कि येस बैंक का जो मोमेंटम था एक बार हो गया है, और यहाँ पे जो एक कैंडल आया था उसी दिन यानी कि 25 जनवरी को ही मैंने बताया था कि यहाँ से रिवर्स होगा, कितना नीचे जाएगा ये मालूम नहीं, लेकिन जो एक मोमेंटम था एक खत्म हुआ था। तो देखिए कि उसके बाद कौन सा भी ग्रीन कैंडल अभी तक बनाया नहीं है, और एक सपोर्ट लिया है जो 181, जो इसका एक अच्छा सपोर्ट है, अभी 185 में क्लोज हुआ है। तो 181 का इसके स्टॉप लॉस लगा के बैठो, ये लेवल ब्रेक करेगा तो ज़्यादा नीचे जा सकता है। आप इंट्राडे में भी देखो तो इंट्राडे का चार्ट है, तो ए लेवल पे देखो आने के बाद 181 पे आने के बाद कैसा उसने सपोर्ट लिया है। तो ये नेक्स्ट सपोर्ट है, और अभी ये कहा जाके एक बॉटम बनाता है, उसके बाद वो रिवर्स होगा, तब तक इसमें ट्रेड मत करना। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, जो ये रिवर्स हुआ था प्राइजेशन का वीडियो बनाया था, वहाँ से प्रॉपरली ऊपर भी गया था, तो वो एक्शन आने दो, उसके बाद आप ट्रेड करो। नेक्स्ट जो है मुझे पूछा है संतोष करके, उन्होंने प्राज इंडस्ट्री के बारे में, तो प्राज का चार्ट देख लेते हैं। तो ओवरऑल प्राज का चार्ट है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट था उसके ऊपर उसने ब्रेक किया, वापस ये सपोर्ट ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है। तो ये जो लेवल है उसका 120 124.78, ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पे वैसा वो कुछ अभी एक्शन नहीं कर रहा है, एक साइड बेज है, लेकिन आपने बाय किया होगा तो 125 के अराउंड आप टॉप लॉस लगा के इसमें रह सकते हो। अगर ये ऊपर जाएगा तो ये जो हाई वाले जो लेवल्स है 160 के आसपास ये जा सकता है, लेकिन एक टॉप लॉस ये अपने परफेक्ट लगाना, नया ट्रेड लेने का इसमें कुछ नहीं बन रहा है, लेकिन आपके पास अगर है तो आप टॉप लॉस ही लगा सकते हो। उसके बाद जो है कि मुझे नारायण जी, उन्होंने टाटा स्टील और वेदांता के बारे में पूछा है। तो देखिए मेटल स्टॉक बजट के बाद भी पीटी रहे, तो मुझे जो टाटा स्टील बेटर लग रहा है वेदांता से, तो वेदांता में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, इतना नीचे जा रहा है। तो टाटा स्टील का मैं चार्ट देख रहा हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिकवर तो हुआ था, लेकिन टाटा स्टील अगर ऊपर जाता है वापस, इसको जो रेजिस्टेंस आ रहा है फ्राइडे को भी लिया था 482 का, तो उसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो आप उसमें 496 का आपको टारगेट मिलेगा, और 496 के ऊपर अगर ये क्लोज होता है जब भी टाटा स्टील, तभी इसमें अच्छा बाइंग आएगा, जहाँ पे आप जो डिलीवरी बाइंग भी ले सकते हो। अभी आपको बाइंग लेना है तो ये प्रॉपरली अपने रेजिस्टेंस के ऊपर है, बट बेटर कि ये वेदांता से बेटर है। तो वेदांता देखिए कि इसमें इतना जो डाउनफॉल आया फ्राइडे को, तो इसमें बहुत ही नेगेटिव न्यूज चल रहे, और यहाँ पे जैसे कि एक सपोर्ट था 170 और 165 का, उसको डायरेक्ट ब्रेक करके नीचे क्लोज हुआ है। तो अभी का जो सपोर्ट है 157 है। अभी इसमें फंडामेंटल्स क्या चल रहे उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन टेक्निकल के ऊपर ये बहुत वीक लग रहा है, और लास्ट जो सपोर्ट है 157 का है, ये अगर आपने बाय किया होगा ये आप सपोर्ट लगा कह रहे हो। तो दोस्तों ये जो स्टॉक मैंने कवर किए, दूसरे जो मेरे चॉइस के स्टॉक है ये भी मैं कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो भी देख लिए जो स्टॉक के लिए प्रॉपरली रहेगा, तो वीडियो देखना मत भूले, मैं कुछ देर के बाद वो भी वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। हाय फ्रेंड्स, कैसे लगा वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपके कमेंट भी दीजिए कि कौन से स्टॉक में आपको क्या क्या पूछना है, और ऐसे आपको टेक्निकल से सीखना है तो प्लीज़
हमारे यहाँ पे आके आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं। मैं यहाँ पे सब डिटेल देता हूँ हमारे क्लास के, वो डिटेल लेके आप आपको हमको व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके हमारे क्लास में सीखने को आ सकते हैं यहाँ पे थाना में मुंबई में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।